हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि स्टॉक अगर आपके पास है तो बेचे कहाँ, और खरीदना चाहते हैं तो किस स्टॉक एक्सचेंज में खरीदना होगा आपके लिए फायदेमंद। जनरली यह कंसेप्ट है कि एनएससी में ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं तो वहाँ खरीदना और बेचना फायदेमंद होता है। यस, कुछ हद तक आप सही हैं, लेकिन फाइनल गोल हमारा क्या है? ज्यादा से ज्यादा पैसा छापना है ना। तो मैं देखता हूँ आए दिन कि काफ़ी अच्छी खासी संख्या में स्टॉक्स लोग कम प्राइस में बेच देते हैं। थोड़ी देर के लिए माने सीन को क्लियर करने के लिए कि एक स्टॉक अपर सर्किट पर लगा हुआ है, बीएससी में भी और एनएससी में भी। एनएससी में उसका प्राइस सपोज 20 पैसा कम है और एनएससी में 20 पैसा ज़्यादा है। अभी एग्जाम्पल में हम देखेंगे। और तो आप कहाँ बेचना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली जहाँ ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा प्राइस है। लेकिन मैं देखता हूँ कि 24,000 50,000 क्वांटिटी सिंपली यूं ही कम प्राइस में बेच दिया जाता है अपर सर्किट में, या तो वो आंकलन नहीं करते। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, बात करते हैं आगे। और कुछ लोगों के मन में यह भ्रांति है कि एनएससी में खरीदना ज़्यादा फायदेमंद होता है या बीएससी में खरीदना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो एसटीटी या गवर्नमेंट के रिलेटेड जो टैक्स हैं या ब्रोकरेज हैं जहाँ पर आपका अकाउंट है, वो तो फिक्स है। चाहे आप कहीं भी खरीदें, बीएससी में खरीदें या एनएससी में खरीदें, ब्रोकरेज जितना लगना है लगेगा ही। अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ बने हुए हैं तो आपको अकॉर्डिंगली डिस्काउंटेड ब्रोकरेज ही लगेगा। और एसटीटी जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है तो वह भी तय है ऑलरेडी। अब हम कहाँ पर फेरबदल कर सकते हैं? परचेजिंग प्राइस में अगर खरीदना है तो, और सेलिंग प्राइस जहाँ बेचना है तो। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट किए हुए हैं, ये इससे स्टॉक सिलेक्शन से कहते हैं, यह मेरा आशय नहीं है कि आप इसमें खरीदारी का मन बनावें या बेचने का मन बनावें। जस्ट फॉर एग्जांपल जो मैं देखता हूँ आए दिन कि बेचने के क्रम में लोग अच्छी क्वांटिटी स्टॉक्स का कम प्राइस पर बेच देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, बल्लारपुर इंडस्ट्री का स्टॉक अपर सर्किट पर है बीएससी एवं एनएससी दोनों में। बीएससी में यह बीएससी का प्राइस है, बीएससी में अपर सर्किट लगा हुआ है 2 रुपये 20 पैसे में, और एनएससी में यह है ट्रेड हो रहा है 2 रुपये में। और आप देखेंगे कि 2 रुपये में कोई साहब 24,000 क्वान्टिटी बेच चुके हैं, और यहाँ जब अपर सर्किट लगा हुआ है तो ये जनाब बीएससी में बेच सकते थे। और सब 24,000 अगर इन्होंने बेचा है तो कितने का, अगर बीएससी में बेचते तो कितने का ये फायदा और कमा सकते थे? तो फॉर एग्जांपल 24,000 क्वांटिटी इन्होंने बेचा है एनएससी में, 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 पैसा और है ना, 0.2 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 4,800 रुपये का नुकसान इन्होंने सिंपली इस कारण से कर दिया कि इन्हें या तो हरी भरी में थे या इन्हें पैसे से ज़्यादा मतलब नहीं है। तो यह मानना कतई एक्सेप्टेबल नहीं है कि स्टॉक मार्केट का बंदा और पैसे से मतलब ना हो। अज्ञानता या समझ लीजिए जल्दीबाजी, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। तो अभी जितने भी दर्शक हमारे हैं वो इस बात को समझ लेंगे, मैं आशा करता हूँ कि अगर बेचना है अगर आपको स्टॉक तो आप देखें उसका बीएससी और एनएससी के प्राइस का आंकलन करें, कहाँ बेचना है अगर अपर सर्किट में है, और अगर लोअर सर्किट में है और आपने खरीदने का मन बना लिया है तो कहाँ लोअर प्राइस है तो कुछ फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। अभी जैसे यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये 220 पर लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी है आपका 2000, तो जिस बंदे ने बीएससी में बेचा है वो 20 पैसा अतिरिक्त कमाया है एनएससी के प्राइस के कंपैरिजन में। और एनएससी में अभी देखे उसमें मैंने देखा था 24,000 क्वांटिटी बिकी थी, अभी भी वो 24,000 की क्वांटिटी है, और टाइम स्टाम्प है 23 दिसंबर 2021 और 10:33:47 में यहाँ यह ट्रेड हुआ है। तो और भी तमाम स्टॉक्स हैं जिनकी चर्चा अभी जस्ट मैं करूंगा फॉर आपको बेहतर समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल से जो मैंने दूसरा स्टॉक सेलेक्ट किया है वो है भंडारी होजरी, बीएससी में या अपर सर्किट पर है। अभी थोड़ी देर पहले अपर सर्किट पर था, अभी अपर सर्किट पर सेलर आ चुके हैं। अपर सर्किट पर 8 रुपीज़ 43 पैसे पर
9684 क्वांटिटी सेल बिड पर रखी हुई है, और आप देख रहे हैं कि एनएससी पर यह ट्रेड हो रहा है 8 रुपये पर, मीन्स 8 रुपये पर केवल बायर है, कोई सेलर नहीं है। अब आपको अगर बेचना है, आपके पास भंडारी हो जा रही है, ऐसे तो बेचना है या नहीं बेचना है उसके लिए आप अपनी राय कायम करें। मैं यह जस्ट यह बता रहा हूँ कि कहाँ बेचना है तो कहाँ बेचना है। जब यहाँ पर सपोज आप बेचने का अपना मन बना लिया और आपने क्या किया, 8 रुपये में एनएससी में बेच दिया, और अगर सपोज आपके पास 4000 क्वांटिटी है और आपने एनएससी में, यह एनएससी का प्राइस है 8 रुपये पर 9,73,594 क्वांटिटी बाई बीट में पड़ा हुआ है, और अभी देखिए लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी है 300 रुपये का, 300 पीस का है। टाइम स्टाम्प है 23/12/2021 10:42:07 का। तो ये साहब जो 300 क्वांटिटी यहाँ बेचे हैं, अगर यहाँ बेचते, आई मीन बीएससी में बेचते, बीएससी में अभी जैसे अभी ये काफ़ी सेलर्स आ चुके हैं, अभी जब हम इसे स्टॉक को चेक किए थे तो इनिशियली तो 8.43 रुपये पर था सेलर, अभी आ गया और थोड़ी देर में यह वाइपआउट हो जाएगा, मीन्स 8.43 रुपये वाला जो है सेल बिड वो भी क्लियर हो जाएगा, चूँकि बाइंग प्रेशर है। तो अगर आपको बेचना है, सपोज मान लेते हैं कि बेचना तय है और इमीडिएटली भी इमीडिएटली बेचना है, तो 8 रुपये में क्यों बेचना है, 8 रुपये 38 रुपीज़ 38 पैसे में बेचिए, 38 पैसे का तो मुनाफा होगा। तो आज के इस वीडियो का मेन पर्पस आपको यह अपडेट करना था कि अगर आपने बेचने का मन बना लिया है तो आप दोनों एक्सचेंज में देखें कि कहाँ माल महंगा बिक रहा है, ठीक है, और अगर खरीदना है तो आप दोनों एक्सचेंज में सेम स्टॉक को डाल के देखें कि कहाँ सस्ता मिल रहा है, तो उससे आप कुछ पैसा बचा पाएंगे। और मेन पर्पस स्टॉक मार्केट में पैसा अर्न करना, तो आप अननेसेसरी, पता नहीं, अज्ञानता बोलना उचित नहीं है किसी भी थर्ड पर्सन के लिए, केयरलेसनेस आई कैन से के कारण अगर आप थोड़ा पैसा जाया कर रहे हैं तो उसको आप बचा सकते हैं, और इस ज्ञान को आप दूसरों में भी बांटें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, तो आज के लिए इतना ही, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, गुड डे, गुड नाइट, सी यू विद माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।